गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए ना, हमेशा जीतते ही जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे तीनों गुरु जी है, और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पहले जब मैं इस सिस्टम में आया था तो मेरी आवाज बहुत पिछड़ा था, लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। जहां मैं इंटरेक्शन करने जाऊं या फॉलो करने जाऊं या कहीं पे भी, तो होता था ये क्या बोल रहे, बहुत आवाज फंसती थी। मन करता था कि क्या करो ना करो, लेकिन भैया लोग बोलते थे करो होगा, लेकिन बोला जाता है जिसपे लोग हंसा करते वही क्या हंसा करते हैं। ऐसे नो तो मैं बोलूंगा कि देखिए, जब भी आपके मन में कुछ दिक्कत होती है, क्या होती है ना, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मन में पूरी बातें को सजा लेते हैं, भर लेते हैं, एक बार जाके अपना पास भाष निकालते हैं। नहीं, मेरा जो जैसे मैं काम कर रहा था शुरू में, तो जब भी मेरे पास कोई भी दिक्कत होती थी, तकलीफें होती थी, तो मैं अपने अपना के पास शेयर करते थे कि भैया आज हमारे साथ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये गुजर रहा है। तो वो भैया हमें तरीका बताते थे, नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, हो जाएगा। तो मेरा एक ही मैसेज है कि जितने भी लोगों के मन में अगर एक भी पॉइंट नेगेटिव पॉइंट अगर आती है, कुछ भी मन में होती है, तकलीफ होती है, अपने अपलाइन के पास जरूर शेयर करें, जरूर आप शेयर करेंगे, देखिएगा आपको मन हल्का हो जाएगा और आपको काम करने में मन लगेगा। ऐसे नो हमारा प्लान का सोच थे कि हम लोग क्या है ना, एक कुआं था, कुआं में एक मेढक था, तो मेढक को क्या लग रहा है इतनी बड़ा दूध दुनिया है। ऐसे नो कि तब फिर मेढक के जब बाहर निकला तो बोला वाह बहुत बड़ा दुनिया है। तो हम लोग मेढक की जिंदगी गुजार रहे थे, कुएं में टहल रहे थे। तो हम लोग को बताइए, यूपी से हम लोग को हिमाचल में लाया गया। ऐसे नो हमारे सभी सीनियर लोग एक दुनिया दिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ तीनों सीनियर के लिए जबरदस्त ताली बजाना। आज देखा जाए तो विदेश यात्रा के बारे में बता दूं, तो मैं 6-6 कंट्री में भी घूम चुका हूं, 3 कंट्री अभी भी बाकी है हमारा, हो ही जाएगा स्मार्ट वेल्यू में हूं तो। ऐसे नो और मैं बोलूंगा एचीवमेंट के बारे में, तो देखा जाए तो लाखों रुपया का मोबाइल, जब मैं सिस्टम में आया था पढ़ने में मैं बहुत कमजोर हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं हूं, पापा नौकरी करते थे, झूठ बोल बोल के पैसे मांगते थे और स्मार्ट वेल्यू में लगाते थे। पापा बोलते थे, मम्मी लोग बोलते थे क्या कर रहे हैं, बोला आईटीआई कर रहे हैं, सब पैसा स्मार्ट रूम में जा रहा है, रूम खर्चा ये खर्चा वो खर्चा। ऐसे नो भैया आते थे बताते थे, सुनो तुम नौकरी नहीं कर रहे, तुम बिजनेस कर रहे। ऐसे नो तो क्या होगा कि देखिए कुछ लोग यहाँ पर पैसे लगाए होंगे, 5,000-6,000 किसी में लगा, मैं जब तिहा में लगाया था 12,000 रुपया, तो मैं जब तिहा से मैंने आया काम किया, मैं देखा जाए तो इसी स्मार्ट वेल्यू से 12,000 रुपया लगा करके मैंने 15,00,000 रुपया कमाया है। फिर मैं इस जगह पे 12,000 लगाया हूँ ना, यहाँ से जाऊंगा ना 24,00,000 रुपया कमाऊंगा, इतना ही बात करके आऊंगा, 5 वीक में मेरा सफाई कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट राइट से कंटिंग नहीं है भैया, लेकिन 100 से ऊपर है, 150 के लगभग, एक साइड से भैया 19 लोग आया है। और मैं बोलूंगा जितने भी लोग हैं, सब लोग तन मन धन लगा करके काम करिए, एक चीज याद रखना कि अपलाइन जो बोलते लास्ट वर्ड मानिए। एक शायरी है बोलना चाहेंगे कि चांदनी चांद से हो गई, ठीक है ना, चांदनी चांद से हो गया तो क्या दिक्कत, सितारा तो अपने पास है, घर वाले छोड़ दिया, वहां वाले छोड़ दिया, रिश्तेदार वाले छोड़ दिया, तो क्या दिक्कत, अपने साथ।
मोबाइल लिया, बाइक लिया, दो दो लैपटॉप लिया। मेरे लखनऊ में 55 लाख का फ्लैट है, अभी मैं बिला बनाने की बना रहा हूं जिसका कीमत है 35 लाख रुपए। वो देखा जाए तो जनवरी तक वो फाइनल हो जाएगा और इमरान क्लोज कर दूंगा मैं। तो मैं भी एक न्यू मॉडल में आ गई है कि जब वो गाड़ी चलता है तो सभी लोग साइड हो जाते हैं। मैं स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ 5 लाख रुपया का, इतने में वो इलाज करने।